अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एएस न्यूज़ नेटवर्क सबका खैर मकदम है। आज हम पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टे के पास में ठहरे हुए हैं, राइजिंग सन स्कूल के पास में। यहाँ सुबह से पब्लिक ठहरी हुई है, जिसको आज यहाँ पर 1 बजे के बाद में राशन तकसीम करना बंद कर दिया गया है। इस वजह से पब्लिक यहाँ पर ठहरी हुई है। आप इनसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कितने बजे से ठहरे हुए हैं आप लोग? सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं, तब तक कोई किसी को कुछ बोला नहीं है। बीच में बोलते हैं कि लाइट बिल लेके आओ, ये लेके आओ। अब लाइट बिल लेके आने के बाद में अभी बोल रहे हैं कि राशन है नहीं, तो हम सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो हमको अभी राशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। आप कहाँ से है भाई? हम चेन्नई से हैं। चेन्नई से? हाँ जी। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। कितने बजे से आए हुए आप यहाँ पर? 9:30 बजे से। सुबह 9:30 से? हाँ। अभी तक नंबर नहीं आया आपका? नहीं आया था, इधर आया था, अभी बंद हो गया बोल रहे हैं। बंद हो गया बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? फिर कल आओ बोल रहे हैं आपको? कल बोल रहे हैं 9 बजे आओ। कल आओ बोल रहे? हाँ। यहाँ पर आप पुराने शहर के तकलीफात देख सकते हैं। जो माइग्रेंट लेबर्स आए हुए हैं दूसरे एरिया, दूसरे स्टेट से जो माइग्रेंट लेबर्स आए थे, उनके तकलीफात को देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये लोग सुबह से ठहरे हुए थे, धूप कड़ी कड़ी धूप में ठहरे हुए थे, इसके बावजूद भी ये लोग को राशन आज नहीं मिला। इसकी वजह से आप आवाम से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि सर्विस फास्ट करें माइग्रेंट लेबर्स के लिए। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए इसकी वजह से। आप यहाँ पर कई लोग हैं, आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लेडीज़ है, कई ख़वातीन है, कई जेंट्स है, सबके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरों को वापस भिजा दिया गया है। इसकी वजह से आवाम से हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि राशन सर्विस के लिए फास्ट सर्विस करें। आप कहाँ से साहब? कहाँ से आप भाई? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। सुबह से हम लोग आए, 8 बजे से बैठे हैं, राशन भी नहीं मिला है। ये लोग बोल रहे हैं कल आओ, अभी कल कितना टाइम में आना है? आज दिन भर तो पूरा चला गया, नहीं मिल रहा है राशन। सुबह 8 बजे आए? 8 बजे आए, अभी ये टाइम हो गया, बोल रहे हैं राशन खत्म हो गया है। लाइट बिल मांग रहे हैं, जिसके पास आधार कार्ड है तो लाइट बिल मांग रहे हैं। 8 बजे सुबह 9 बजे से गांव? हाँ गांव। कौसा गांव से? बिहार। बिहार से? यू? हाँ। बिहार यूपी से आप? हाँ। तो आप कितने बजे सुबह यहाँ पर? सुबह सर 9 बजे से आके ठहरे हैं सर। 9 बजे से आके? सुबह 9 बजे से आ गए? सुबह 9 बजे से आके ठहरे। तो क्या बोल रहे हैं आपको? अब बोल रहे जाओ जाओ, कल देते कहते। देखो उस बार भी दे रहे थे तो वैसे आके चले गए, हम लोग नहीं दिए थे। उस बार भी नहीं दे रहे, वैसे बोल रहे जाओ जाओ, हम नहीं देते कहते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हलके बारकस डिवीज़न बल्लागोड़ा रेसिंग सन स्कूल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो माइग्रेंट्स लेबर यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को गुज़श्ता टाइम जो सेंटर डाला गया था नहीं मिले थे, दोबारा फिर से जो छूट चुके हैं लेबर उनके लिए फिर सेंटर्स का आगाज़ किया गया है। आज सुबह से तकरीबन 100 आदमी में फ़ी फ़र्द 12 किलो चावल व 500 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। जितने भी माइग्रेंट्स लेबर है उन लोगों को ये हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। तो तकरीबन यहाँ बल्लागुड़े में बहुत सारे लोग मजदूर पेशा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिसको देखते हुए आली जनाब मोहब्ब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब बल्लागुड़ा रेसिंग सन स्कूल में उन मजदूर पेशा लोगों की सहूलत के लिए सेंटर्स को यहाँ पे क़ायम किया गया है। आज एक तकरीबन 100 आदमी को दिया गया और दिए रहे, आइंदा कल भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। और कितने दिन तक ऐसा कंटिन्यू रहेगा ये? अब हम लोग तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम उनकी निशानदेही करा कर तहसीलदार बल्लागोड़े को हम उनकी निशानदेही कराए हुए हैं, और जितने भी माइग्रेंट्स लेबर हैं तमाम को सहूलत फराहम करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ साथ हम बल्लागोड़ा एमआरओ साहब से ये भी मैडम से गुजारिश करते हैं, जो तेलंगाना के रहने वाले लोग हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड था लेकिन किसी बिना से जो कार्ड्स कट चुके हैं उन्हीं भी लोगों तक भी सहूलत पहुँचाने के लिए हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम एमआरओ मैडम और कलेक्टर और हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को भी जिस तरह दूसरे स्टेट के लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं, हमारे स्टेट के लोगों को भी जिनके पास वाइट कार्ड्स रहने के बावजूद भी डिलेट हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो बीपीएल फैमिली से उन लोगों को भी
हुकूमत की तरफ से जो फी फर्द 12 किलो चावल दिए जा रहे हैं उसका अहतमाम करने के लिए हम गुजारिश करते हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेटर आपका नाम? जी हाँ, मैं यहाँ पे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हूँ। मोहम्मद हफीज़ है मेरा नाम, बारगस डिवीज़न।